गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के स्वागत के लिए बघेल समाज ने कार्यक्रम आयोजित किया। गृह मंत्री ने कार्यक्रम में देवी अहिल्या बाई की मूर्ति का लोकार्पण किया और बघेल समाज का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। दतिया में बघेल समाज ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में रैली निकाली। रैली में जिले भर से बघेल समाज के कार्यकर्ता शामिल हुए। गृह मंत्री ने भी अहिल्या बाई की मूर्ति का अनावरण करके बघेल समाज का आभार व्यक्त किया। साथ ही नगर पालिका को निर्देश जारी किया कि जहां मूर्ति स्थापित हुई है उस चौराहे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर रखा जाएगा और उसके आसपास सौंदर्यकरण किया जाए। दरअसल दतिया और डबरा में भाजपा से निष्कासित होकर कांग्रेस में शामिल हुए नेता राधेलाल बघेल का दबदबा है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो लगातार एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जिस कारण पाल समाज ने यह आयोजन कर स्पष्ट संदेश दिया है कि वो भाजपा के साथ है। आप सबके लिए तो आज का दिन सौभाग्य का दिन है, पर दतिया के लिए भी ये दिन सौभाग्य का है। माँ अहिल्या देवी की प्रतिमा इतना सुंदर और इतना दिव्य स्थान दूसरा दतिया में नहीं है, जितना मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।